दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। बेहतरीन तरीके से थंबनेल पर देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी का बयान। बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज के अपडेट को लेकर यूपी ट्रिपल एससी का एक बयान आया हुआ है, बेहतरीन तरीके से आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। नीचे देख पा रहे हैं लिखा गया है परीक्षा रद्द होने के संकेत। बिल्कुल इस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि परीक्षा रद्द होने के कितने परसेंटेज चांसेस बन रहे हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं, आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में एक बड़े स्तर से धांधली के आरोप लग रहे हैं। लगातार अभ्यर्थियों की एक ही मांगे हैं कि यूपी लेखपाल की परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम कराया जाए। तो इसी के संदर्भ में आप देख पा रहे हैं लेखपाल भर्ती में कालाबाजारी को लेकर 9 लोग होंगे गिरफ्तार। फिलहाल के लिए आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा में कई लोग अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एसटीएफ टीम को 9 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। 9 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जैसे ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो तत्काल एक नया मोड़ इस लेखपाल भर्ती में जरूर आएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद होगा री एग्जाम पर निर्णय। बिल्कुल आप सभी की जो मांगे हैं, लगातार आप री एग्जाम की मांग कर रहे हैं कि भैया इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम कराया जाए, लेकिन इस तानाशाही सरकार पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए हमने अभी आपसे कहा कि जहां तक परीक्षा रद्द होने के संकेत हैं तो इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा कितने परसेंटेज चांसेस बन रहे हैं कि परीक्षा आपकी रद्द हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अच्छा, नीचे आप देख पा रहे हैं कोर्ट केस में विलंब क्यों हो रहा है। बिल्कुल आप सभी को यह जानने की आवश्यकता लगातार हो रही कि भैया आप तो कह रहे थे कोर्ट केस करने के लिए, तो आप इसके लिए विलंब क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या परीक्षा ये जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तब आप कोर्ट केस करेंगे, तो यह सभी हमारा मुद्दा है आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको उस अपडेट से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं जिस अपडेट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे ऊपर देख पा रहे हैं लेखपाल भर्ती नकल कराने वाले 9 फरार। हमने अभी आपसे बताया कि 9 लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान नकल कराने वाले आरोपी में अब तक 5 स्कूलों के प्रबंधक और एक प्रिंसिपल को पुलिस जेल भेज चुके। फर्जीवाड़े में सिर्फ एसटीएफ ने ही 9 लोगों को वांटेड किया है। इसकी तलाश लखनऊ एसटीएफ ने प्रयागराज में कैंप किया हुआ है। कई और स्कूल के प्रबंधक एसटीएफ रडार पर हैं, कई उनकी तलाश जारी है। एक ही परिवार के 4 लोग बने आरोपी। 31 जुलाई को हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान साल्वर गैंग की मदद से करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज और नैनी के 4 अन्य कॉलेजों में नकल कराने की बात सामने आई थी। पुलिस ने प्रिंसिपल और उसके बेटे समेत 4 को जेल भेज दिया। इधर लखनऊ एसटीएफ छापेमारी करके यमुना के पार स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार किया। इसमें जय बाबू, अनिल पांडे, पुनीत, शशि प्रकाश समेत 8 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। चेतना गर्ल्स सेंटर कॉलेज के प्रबंधक कशान की गिरफ्तारी हुई। इस केस में पकड़े गए आरोपियों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 9 आरोपियों को वांछित किया है। इसमें एक आरोपी चेतना गर्ल्स सेंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का पति आफ्ताब है। उसका परिवार के 4 लोग नकल के आरोपी बनाए गए हैं। चर्चा है कि उसकी गिरफ्तारी व पूछताछ के लिए टीम गई थी, लेकिन पता चला कि बुजुर्ग बीमार है तो टीम लौट आई। अच्छा, यहां आप देख पा रहे हैं जिनकी अभी वर्तमान में पुलिस तलाश कर रही है। बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 9 लोगों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार धर पकड़ कर रही है। इसमें पहले हैं अमित कटियार जो कि कानपुर के हैं, पंकज श्रीवास्तव प्रयागराज, विजय सिंह भदोही और महेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज, अतुल सिंह भदोही प्रयागराज, भदोही आगरा और अज्ञात। ये राकेश जो है अज्ञात के तौर पर है, इनका कुछ पता नहीं है ये कहां के रहने वाले हैं। तो फिलहाल हाल के लिए आपने देखा, अब लगातार चेतना गर्ल्स सेंटर कॉलेज का जो मामला है वह तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी ट्रिपल एससी के बयान पर, तो बिल्कुल हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी का भैया एक ही बयान हर वक्त वायरल हो रहा है कि जब तक हमें लिखित तौर पर कोई प्रत्यक्ष साबूत नहीं मिल जाता तब तक हम इस री एग्जाम के पक्ष में नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में यह दुविधा उत्पन्न हो रही है कि आखिरकार
इसमें आगे क्या हो सकता है। अगर इतने बड़े स्तर से लगातार न्यूज़पेपर की कटिंग, तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो क्या यूपी ट्रिपल एससी के पास नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। हमने अभी आपसे कहा कि ये सरकार अपने तानाशाही रवैये पर उतर आई है, जो सोच रही है वो करके आपको दिखला रही है। तो ऐसे में अब बिल्कुल कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वह इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से री एग्जाम की है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, इसमें कहा जा रहा है कोर्ट केस करने में विलम्ब क्यों हो रहा है। जैसा कि हमने आप सभी को विगत वीडियो में बताया है कि भैया हर किसी का एक सामाजिक दायित्व होता है, उस दायित्व को निर्वहन करना होता है। लोग कहीं कहीं से तरह तरह के दबाव आ रहे थे कि भैया आप इस तरह के काम मत करिए, जो है बाद में आपको ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह की बातें हैं भैया। तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा भी रखना जाहिर सी बात है कि एक लाजमी होता है। ऐसे में जहां तक कोर्ट केस का मामला है, तो आगे का वक्त और समय तय करेगा इस पर जो है क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। गिरफ्तारी के बाद होगा री एग्जाम पर निर्णय। जैसे ही ये 9 लोग गिरफ्तार होते हैं, इनके द्वारा कुछ और भी बयान आएंगे, तो आगे की जो रणनीतियां होती हैं वह यूपी पुलिस के द्वारा तय की जाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।